मैं जब बोलने लगता हूँ मैं बहुत पटर पटर बोलता हूँ। आज ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय सिया राम। मोदी जी का पर्पस यही था, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करें अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो प्रयास है, विकास भी विरासत भी, आई थिंक काशी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं एक बात बताऊं, मैं जब बोलने लगता हूं मैं बहुत पटर पटर बोलता हूं। आज ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं। जीवन भर हम शिव जी के भक्त रहे हैं और पहली बार काशी दर्शन करने आए हैं। मैं चाहूंगा कि अगली दफा मैं अपनी माता जी को भी लेके आऊं, अपनी धर्मपत्नी को भी लेके आऊं। मेरी माता जी बहुत खुश हैं। वो महादेव की नगरी में जब महादेव के भक्त आते हैं तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या अनुभव रहा होगा। जब हम काशी मंदिर में गए थे, अलग ही एनर्जी, अलग ही ऊर्जा थी, अलग वाइब्रेशन, अलग फ्रीक्वेंसी। जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, जब आरती की, तो एक अलग एनर्जी, अलग पावर आ जाता है, महसूस होता है अंदर, और सभी उस एनर्जी में लीन है। आप जिसे भी देखते हो उनकी आंखें चमक रही हैं, उनके चेहरे पर रौनक है, ऐसे यूं हाथ ऊपर करके हर हर महादेव बोल रहे हैं। और ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मोदी जी का पर्पस यही था, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करें अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को, हमारी हिस्ट्री को, हमारी लेगेसी को। क्योंकि हम जो भारतवर्ष है अब मॉडर्निटी की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, इतनी इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, पर हमें हमारे रूट्स, हमारी कल्चरल हेरिटेज ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए विकास भी, विरासत भी, और वही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर का जो एक मिश्रण है, तो ये उसका एक एक काशी आके ना, काशी इज दैट, ये जगह जो है ये तो इतिहास से भी पुरानी है, परंपरा से भी पुरानी है। तो ऐसी जगह में ये सब जो विकास लेकर आए हैं, ये सब देखना, इट्स एन एब्सोल्यूट वंडर, इट्स एन एब्सोल्यूट मार्वल टू सी द पास्ट एंड प्रेजेंट फ्यूज्ड टुगेदर इन दिस वन स्पेक्टेक्युलर प्लेस। सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय सिया राम। ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आज यहाँ, जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है सिटी में, जो आरती के टाइम पर थी, जैसे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और इस तरह की शिवजी की आरती और पूजा मैंने इससे पहले कभी नहीं की थी, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब आप सडनली बहुत सुकून महसूस करते हो ना अंदर, आई थिंक ये गंगा घाट पर, यहाँ पर वही फीलिंग आती है, और ऐसा लग रहा है कि पहले क्यों नहीं आई यहाँ। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो प्रयास है, विकास भी विरासत भी, आई थिंक काशी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो काशी में किया है, जिस तरह की कनेक्टिविटी आई है, चाहे आप रेलवेज की बात करें, चाहे आप रोड्स की बात करें, चाहे वो रिवैम कॉरिडोर जो है, चाहे कुछ नए घाट हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट आई है। बट साथ साथ जो काशी की अपनी एक फीलिंग है, जो वो कल्चर को लेके साथ में चलती है, वो फिर भी वही है। इस घाट पर आकर आपको फिर भी वही जो 10 साल पहले फीलिंग आई थी वही आएगी, एंड आई थिंक दैट इज ब्यूटिफुल।